नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार ने CAA लागू कर दिया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समाज के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस बिल में मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता देने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमशुल हसन ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उन्हें इसी तर्ज पर इस बिल को भी लाना चाहिए था, जिससे कि देश की मुस्लिम समाज का भी विश्वास उनके ऊपर बना रहता। ऐसे कई मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इन तीन मुल्कों के अलावा अन्य मुल्कों से भी भारत में आए हैं और लंबे समय से यहां के निवासी हैं। वर्तमान समय में लाया गया यह बिल भेदभाव उत्पन्न करने वाला है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, पहले इससे पहले भी CAA NRC का जो बदल हुआ, पूरे देश में बवाल हुआ, जिसकी वजह से सरकार ने कदम पीछे खींचा। केंद्र सरकार ने, हम चाहते हैं कि जब CAA में आपने तीन मुल्कों के जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनको लिया है, तो मैं चाहता था, हम लोग सभी चाहते हैं, सभी देश भी चाहता है कि मुस्लिम समाज क्यों नहीं। अगर मुस्लिम समाज को अगर रखते, क्या मुस्लिम समाज क्या वहाँ पीड़ित नहीं है? बंटवारे के वक्त में यहाँ से जो लोग बंटवारे में 47 के बंटवारे में चले गए थे, कोई पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश बाद में बना, वहाँ रह रहे हैं, क्या मुस्लिम वहाँ परेशान नहीं है? इस मुल्क का गए हुए मुसलमान चाहते हैं कि ऐसे मुस्लिम समाज में जो परेशान है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी दिगर जगह, तीनों जगह परेशान लोग हैं, उनके लिए ये द्वार खोलना चाहिए, जिससे कि सरकार के प्रति मुसलमानों को एक विश्वास बढ़े, देश की सरकार पर विश्वास पड़े, देश के प्रधानमंत्री जो कि सर्वदादी विवादित कहा जाता है जिनको पूरे दुनिया में, हम चाहते हैं कि उनके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, उनके प्रति मुस्लिम समाज का एक विश्वास भरोसा बढ़े। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को भी इसमें शामिल करना चाहिए और पूरे तीनों मुल्कों में जहाँ मुस्लिम परेशान है उनके लिए भी द्वार खोलना चाहिए कि वहाँ के मुसलमान कोई परेशान है, यहाँ आ गए तो उनको भी यहाँ की नागरिकता दी जाना चाहिए। ये सरकार से, केंद्र सरकार से मेरी मांग है, ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा की जानिब से, कि अविलंब उसमें संशोधन कर मुस्लिम समाज को शामिल करें, जिससे कि हाँ, आपकी कथनी और करनी में जो अंतर लोगों को नज़र आ रहा है उससे आपको निजात मिले और आपके प्रति इस मुल्क के मुसलमानों की का आपके प्रति आदर सम्मान रहे, सरकार के प्रति आदर सम्मान बढ़े और आप एक विश्वास जागे। यही मेरा आपसे, देश के यशस्वी, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।